पढ़ाई कर भी ना बुआ, पढ़ाई कर भी पहले बोल, पढ़ाई कर भी ना सुलेशन पिए छे। बाप रे बाप, सब मांग के यही काम करता है सारे पैसा दे मम्मी को। देखो देखो बच्चा बोल रहे ना कि तुम लोग पिता सुलेशन बोल रहे हैं ना की पीछे बुआ, मतलब इतना ज्ञान दिए तुम लोग अभी पढ़ाई के बारे में, सारा ज्ञान तुम लोग बर्बाद कर दिया। वाओ के देख ले भाई, पिता है मेरे नहीं पिता, मेरे इंजाम नहीं लगा ना, वाओ पिता ओके। सुलेशन कितने में मिलता है? 20 में 40। सब लोग यही पिता है, सभी के सभी। अच्छा अच्छा बुआ, अच्छा इधर बैठने, इधर बैठ। एक बात बता, सच बता, सुलेशन क्या सभी लोग पीते हैं? सुलेशन सच बताना तुम। जे जे का माँ बाप नहीं होता है वो पीता है, मैं ओके कितना बार मना कर चुका हूँ सुलेशन नहीं पी, स्टेशन पीता है स्टेशन पर। आई मैं भी समझाया हुआ, फेविकॉल से बनता है, जैसे नहीं किडनी खराब होगा मरिया जाएगा, मैं इतना समझा दिया ये सबको, तभी ये के समझाया तभी नहीं पी रहा, हम भी नहीं पी रहे, मैं क्या फोन पर भी दिखा दिए थे तभी सुलेशन बंद किया। कौन पीता, कौन पीता सुलेशन? पहले ही पीता था, तब मैं क्या बंद करवाया। तुम नहीं पीता है? नहीं मैं नहीं पिया, मैं मूवी सुन करता, मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं नशे वशे कुछ नहीं। तुमको कैसे पता कि सुलेशन खराब है? अरे रुक ना भाई, सुलेशन 10 रुपए मिलता है एक, 20 रुपए में दू गो 10 वाली, 40 रुपए में एक बड़की वाली इतनी बड़ी देगी। अरे रुको ना, हाँ इन्हें मेरे बताए थे, इन्हें मेरे दुकान पर भी लेके। अच्छा अभी वो आदमी को भी मैंने पुलिस चार्ज मैंने पकड़वाया और उन्हें बोला देखो मैं ये काम नहीं करूँगा, अब उन्हें मना किया ना, तब वो आदमी छोड़ा। अच्छा तुमने अभी अभी कहा कि जो बचाना था वो पिता सुलेशन, तो तुम लोग भी तो बोला कि तुम लोग भी तो बोला कि अनाथी है तुम लोग। अनाथ हूँ मैं, मगर मैं अनाथ अपना, मैं सबको अपने जैसे समझता हूँ, मेरे माँ डेट हो गया तो क्या, मैं ये सब समझाया हुआ ये बात, तू अपने खुद ही जान से जाए मेरे क्या लेना। बाप रे, हाँ सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये नहीं पीता है। अभी तो खाली क्यों पिए हम नहीं देखता इसको, और ये पीता है, ये पहले पहले पीता, आपने पीता है भाई? सच में? सच में छोड़ दिए, खाओ माँ कसम, माँ कसम को छोड़ दिए, कब हो गया कि 2 महीना, अब कितना हुआ? 1-2 महीना हो गया छोड़ना। तुम लोग को पुलिस नहीं पकड़ता पिता है तो ये सब? हम पुलिस थाना में पढ़ते हैं। पुलिस थाना में पढ़ते थे। अच्छा पुलिस थाना में पढ़ते थे इसलिए वो लोग तुमको नहीं पिता है। चलो खैर छोड़ियो, तुम लोग अपना ध्यान रखो, बस हम इतना ही बोलेंगे, सुलेशन मत पियो, हम तो आज तक कुछ कोई नशा नहीं करते, समझ गया? जिंदगी हम भी नशा नहीं करते, हम सबको समझा देंगे हम नशा नहीं करेंगे। सबको मारते हैं हम दोनों। कौन मारता है? तुम दोनों मिलकर मारते हो? हम दोनों मारते हैं, जो नशा करते वो देख गया पीटेंगे उसका, वर्डिंग मान मारते हैं तुम लोग। अरे सही बात है, पीटा था इबी का बंद करवाया, इतना पीटा। तो अभी तुम लोग पैसा लेके क्या करते हो? पैसा लेके मैं कहा जाऊंगा ये पानी पूरी खाऊंगा, अन्ना तो मैं छोला भटूरा खाऊंगा, यही चीज खाऊंगा। तो इसके पास तो बहुत सारा पैसा है अभी, इसके भी पास है। अरे मेरे पास 50 20, कितना है? तो कितना बता, 70 रुपया? हाँ ठीक है आगे बोलो। तो तुम्हारे पास आज का खाने का पैसा हो गया ना? हाँ मैं आज का खाने का रात तक हो गया। तो फिर जाओ, फिर सो आराम से घर पे, पढ़ाई करो, या और मांगना है फिर? ना और नहीं ना, मेरे जाने के बाद ही लोग और मांगेगा ना। अभी जाऊंगा छोला भटूरा खाऊंगा। ठीक है जाओ आराम से, खाना पीना खाओ, एक बात भी बतलाता हूँ, मैं जब भी लाडली से मिला हूँ तो ये सज धज कर रही थी, आज सज धज के क्यों नहीं आए? क्योंकि आज मन नहीं था, मन नहीं था। अरे अब तो तब तो मेरा लेवल गिर गया ना, अब दोस्त बन गए ना इसलिए। तो दोस्त आप आज बने हैं, गजब कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार और हमारे साथ हैं जयवर्धन भाई और शिवम भाई, और मैं आज जा रहा हूँ इन लोगों का एग्जाम दिलवाने के लिए। क्यों जा रहा मुझे नहीं पता, इसी बहाने मुझे कंटेंट मिल जाएगी रास्ते में पता चला, और साथ में हम लोग घूमेंगे फिरेंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। एग्जाम तो इन लोगों का है, कौन सा एग्जाम आप लोगों का? बीसी है, पास मुझे भाई आप एग्जाम का लीजिए। हम तो लगा ले पहले ही, हम इसमें पीछे पीछे नहीं रहते हैं।
हो गया। तो इन लोगों का बीसी का एग्जाम है कौन से सेमेस्टर? दूसरा। इन लोगों का बीसी का एग्जाम है सेमेस्टर सेकंड का। आज कौन से पेपर है आप लोगों का? पेपर नहीं मालूम है, पेपर नहीं मालूम, एग्जाम है लेकिन पेपर नहीं मालूम। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं और आज आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होगा। हो गया, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सभी लोग और तैयार व्यार हो गए हैं यहाँ से। और यहाँ से निकलने के बाद पहले भी हम लोग भाई के रूम पे ही यहाँ से बाइक पे सब लोग निकलेंगे अपना अपना अकेला अकेला। भाई बोला हाय बोल दीजिए। हाय। और दो शख्स इधर हैं और तीन इधर, मुझे लगा कि पूरा मिलाकर छः आदमी हम लोग जा रहे हैं और एक दो तीन बाइक है, तीन बाइक पे हम तीनों हम छः लोग जाएंगे, छः आदमी का छः आदमी। अब दूर जा रहे हैं तो हेलमेट लेना अनिवार्य है, हेलमेट भूल गए थे। अभी मैं आया हूँ रूम में, जोर्डन भाई के रूम में और वहाँ से हम लोग लेते हैं हेलमेट, यहीं पड़ती है हेलमेट, ये रहा हेलमेट, सब कुछ तो हो ही गया तैयार, बस हेलमेट लेकर निकलते हैं और चलते हैं फटाफट। कहाँ गए भाई, गाड़ी कहाँ उधर? आराम से गाड़ी चलाइएगा जयवर्धन भाई, ठोक मत दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम लोग। और ये लोग जितना रफ ड्राइविंग कर रहा है उतना तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मतलब मैं तो कलेजा बाहर आ जाता है। इधर किसी का टोपी गिर गया है दोस्तों वहाँ पे। ओ भाई ओ टाप दिया इनके पास। इसके साथ क्या हुआ अभी? GoPro ऑफ हो गया, चूतिया कट गया। GoPro ऑफ हो गया। क्या हुआ कि ये पूरे रात चार्ज में लगाए और इन्होंने शायद चेक नहीं किया होगा सही ढंग से। नहीं नहीं, लाइट जल रहा था, रेड लाइट, चार्जिंग का लाइट जलता है, रेड लाइट वो जल रहा इसमें, था। इसमें किसका गलती है बताइए? इसमें किस्मत का, किस्मत का गलती है। चलिए कहाँ गए थे आप लोग? अभी किस्मत का गलती दे सकते हैं उसके और, तो और, नहीं, नहीं। और जिस कारण से इनका ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा, अब ये ब्लॉगिंग बनाएंगे अपने आईफोन से ही। और क्या कर सकते हैं, लास्ट मजबूरी है इनका, लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि कौन सा। चलिए अब यहाँ से ब्रेक खत्म हुआ और हमारा ड्राइवर चेंज हो गया, राइडर चेंज हो गया, बैठते हैं और चलते हैं आगे। ओहो आराम से भाई, निकलिए निकलिए आगे निकलिए। चलिए चलिए बिहार पुलिस यदि देखा तो पक्का इस वाले में चालान कटेगा। मेरा गाड़ी है भाई। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं दरभंगा और यहां पर एक और ब्रेक लेकर के हम लोग कुछ ठंडा वगैरह ले रहे हैं और इसी दुकान से और आगे हम लोग चलेंगे। दरभंगा का ही है, इसको बोलते हैं दिल्ली मोड़, इसको बोला जाता है फेमस है दिल्ली मोड़ के नाम से वाला रास्ता। जब सब लोग उतर ही गए तो हम लोग उतर ही गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी है इसमें। हाँ 50-50। चलिए आइए, चलिए थोड़ा सा हेलमेट पहले निकाल ले तो उसमें चश्मा निकालना पड़ेगा। अब ठीक है सब कुछ, इतना ज़्यादा गर्मी है जो थोड़ा पकड़ लीजिए ना, इसका गलती से एग्जाम हो गया बाहर। चलिए यहाँ पे सब कुछ हो गया, ठंडा वंडा पी रहे हैं थोड़ा सा, बहुत 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 ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता है कि सब पीने से और ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन वो शरीर के अंदर होती है, लेकिन तत्काल के लिए यही राहत दे रही है। अंदर में तो ठंडा देता है ना थोड़ा सा। मेरा दोस्त लोग तो चला गया एग्ज़ाम देने के लिए और मैं अभी आकर के बैठा हुआ हूँ कथी चाहिए म्यूजियम छे और मेरे साथ बैठे हुए लाडली भारद्वाज, इसको जानते ही होंगे। हमको तो सब जानता है, बस आपको कोई नहीं जानता। हाँ मुझे भी जानता है लेकिन इंस्टाग्राम पे जानता है, यूट्यूब पे भी बहुत कम लोग जानता है। मैं तो यूट्यूब पे कुछ है ही नहीं, कुछ 22-15 से हमारे जनता के लिए। जनता के तो ये कहो कि फुल सपोर्ट दियो इनका। बहुत बढ़िया बात है, चलो धन्यवाद इतने शब्द बाजे के लिए और इस शब्द के लिए इसको मैंने पैसा दिया, पैसा लिया मुझसे। चल झूठे, पानी पूरी कितने रुपए आने हैं? नहीं नहीं तो कहाँ अपन पैसा से पानी पूरी खेबे। हाँ हम खेबे, हाँ हम खेबे, आओगे क्या? झूठ भाई सॉल जी, देखेगा ये मुझसे ही खर्चा करवाएगी पानी पूरी के लिए, भी मुझसे ही पैसा लिए, पानी बोतल भी तो हमें खरीद कर दी है ना। तो ले क्यों ना ले, आप क्यों इतना दूर से हमको लेके आए हैं? बाप रे, मतलब हम आए मधुबनी से आए हैं, थोड़ा सा इज्जत नहीं, मेहमान आए हुए हम इसके। एक फिर सके नहीं कही सकते, चलो ना आइसक्रीम की बेची। नहीं नहीं अभी 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 इसने कहा था कि चलिए विवेक जी मुझे पानी पूरी आइसक्रीम खिलाइए। और यहाँ पे हमारे अलावा बहुत कोई सब बैठे हुए हैं इस पार्क में, बहुत सारे पार्क नहीं है, पार्क ही तो है ना, पार्क ही तो बोलते इसको ना,
म्यूजियम का तुमने पार्क ही था छोटा सा, बगीचा बोल लीजिए इसको। डालिएगा तो पर भी आप डाल दिए। कौन सा क्लिप? वो जो हाथ था, आप हाथ हमसे पूछवाए थे। ये जो बात कर रही है वो इंस्टाग्राम के वीडियो के बारे में बात कर रही है, आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इंस्टाग्राम के वीडियो में इसने मुझे मना किया था कि वीडियो डालने से, पर वो बहुत ज्यादा फनी क्लिप थी तो मैंने डाल दिया था, इसीलिए तो चला गया लाइक और व्यू। ये लाइक और व्यू वो तो मेरी मेहनत का, मेरा एडिटिंग की वजह से गया। हमको तो भी सिखा दीजिए वो, आगे नहीं लाइन पे अब फिर से तब सिखा, एक फिर से सिखाइएगा। अभी मैं भाव खाऊंगा, अभी मैं पैसा लूंगा इसे सिखाने का। चलिए तो मैं आपको पानी पूरी में खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, लाइए पानी पूरी पे ही आप मुझे खरीद लीजिए, लाइए पानी यहाँ है और पूरी वहाँ से मांग के दे देंगे। एक बच्चा आया हमारे पास, कौन फिल्म देखी बुआ? अरे ऐसा पहले जो कौन है नाम प्रसाद वाला कोनो फिल्म नहीं हुई छे। अरे अखिन जी कहली दीदी के कहली ना कुछ, अखिन दीदी के कौन फिल्म कहली? मोटू पतलू वाला निकल मोटू पतलू वाला। अरे अब दिए ना, हाँ छोड़ो नो करा आराम से देख लगन जल्दी मोबाइल ठीक आराम से देखो देखो जवाब दियो जवाब अत्ता फिर कौन है मांगे ले कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखें दिया देखो बुआ आराम से देखो बुआ। एक बात मैं बतलाता हूँ, मैं जब भी ये लाडली से मिला हूँ तो ये सज धज का आज सज धज से क्यों नहीं आया? क्योंकि आज मन नहीं था। अरे अब तो तब तो, तो मेरा लेवल गिर गया ना, अब दोस्त बन गए ना इसलिए। तो दोस्त आप आज बने हैं, गजब कर रहे हैं। चलो पढ़ाई कर भी ना बुआ, पढ़ाई कर भी पहले बोल, पढ़ाई कर भी ना सुलेशन पिए छे। बाप रे बाप, सबका पैसा मांग के यही काम करता है। पूछला 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 क्या सारे पैसा दे छे मम्मी के। देखो देखो बच्चा बोल रहे ना कि तुम लोग पिता सुलेशन बोल रहे हैं ना कि पीछे बुआ मतलब इतना ज्ञान दिए तुम लोग अभी पढ़ाई के बारे में, सारा ज्ञान तुम लोग बर्बाद कर दिया। वाओ के देख ले भाई पीता है, मेरे नहीं पीता, मेरे इंजाम नहीं लगा ना वाओ पीता है। ओके इवेंट पे चला कोई देख ले अब वो कलर का देख सी है। अच्छा सुन ओके सारे मांग ले। अच्छा सुन कर छोड़ ना तू। अच्छा बुआ दिखला तो कहां है सुलेशन? कितने में मिलता है? 20 लाख 20 या 40। सब लोग यही पीता है? सभी के सभी हमने पिता। अच्छा सुलेशन चाहे बुआ बच्चा। अच्छा इधर बैठने इधर बैठ, एक बात बता सच बता सुलेशन क्या सभी लोग पीते हैं सुलेशन? सच बताना तुम। जे जे का माँ बाप नहीं होता है वो पीता है। मैं ओके कितना बार मना कर चुका हूँ सुलेशन नहीं पी, स्टेशन पीता है स्टेशन पर। आई मैं भी समझाया हुआ फेविकॉल से बनता है, जैसे यानी किडनी खराब होगा मरिया जाएगा। मैं इतना समझा दिया ये सबको तभी ये के समझाया तभी नहीं पी रहा। हम भी नहीं पी रहे, मैं क्या फोन पर भी दिखा दिए थे तभी सुलेशन बंद किया। मैं कौन पीता सुलेशन? पहले ही पीता था तब मैं क्या बंद करवाया। तुम नहीं पीता है? नहीं मैं नहीं पिया, मैं मूवी सुन करता, मैं अभी कुछ नहीं करता, मैं ना सब कुछ नहीं। तुमको कैसे पता कि सुलेशन खराब है? अरे रुक ना भाई, सुलेशन 10 रुपए मिलता है एक। हां 20 रुपए में दूगो 10 वाली, हां 40 रुपए में एक बड़की वाली इतनी बड़ी देगी। अरे रुको ना, हां इन्हें मैंने बताया था, इन्हें मेरे दुकान पर भी ले गया था। अच्छा अभी आदमी को भी मैंने पुलिस स्टेशन मैंने पकड़वाया और उन्हें बोला देखो मैं काम नहीं करूंगा। अब उन्हें मना किया ना तब वो आदमी छोड़ा। अच्छा तुमने अभी अभी कहा कि जो बचाना था वो पिता सुलेशन, तो तुम लोग भी तो बोला कि तुम लोग भी तो बोला कि अनाथ ही है तुम लोग। अनाथ हूँ मैं, मगर मैं अनाथ अपना मैं सबको अपने जैसे समझता हूँ। मेरे माँ डेट हो गया तो क्या मैं ये सब समझाया हुआ पिएगा तू अपने खुद ही जान से जाए मेरे क्या लेना। बाप रे हाँ सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये नहीं पीता है। अभी तो खाली क्यों पिए हमने देखता है इसको। अरे ये पीता है, ये पहले पहले पिता आपने पिता।
भाई सच में सच में छोड़ दिए खाओ माँ कसम माँ कसम का छोड़ दिए कब हो गया कि 2 महीना अब कितना हुआ 1-2 महीना हो गया छोड़ना तुम लोग को पुलिस नहीं पकड़ता पिता है तो ये सब हम पुलिस थाना में पढ़ते हैं पुलिस थाना में पढ़ते थे अच्छा पुलिस थाना में पढ़ते थे इसलिए वो लोग तुमको नहीं पिता है चलो खैर छोड़ियो तुम लोग अपना ध्यान रखो बस हम इतना ही बोलेंगे मत पियो हम तो आज तक कुछ कोई नशा नहीं करते समझ गया जिंदगी हम भी नशा नहीं करते हम सबको समझा देंगे हम नशा नहीं करेंगे सबको मारते हैं दोनों कौन मारता है तुम दोनों मिलकर मारते हो कौन मारते हैं जो नशा करते वो तो क्या पीटेंगे उसका बॉडी को मार मारते हैं तुम लोग हाँ अरे सही बात है पीटा था ईबी का बंद करवाया इतना पीटा तो अभी तुम लोग पैसा लेके क्या करते हो मैं कहा जाऊंगा ये पानी पूरी खाऊंगा अन्ना तो मैं छोला भटूरा खाऊंगा यही चीज खाऊंगा तो इसके पास तो बहुत सारा पैसा है अभी इसके भी पास है अरे मेरे पास 50-20 कितना है तो कितना बता 70 रुपया हाँ ठीक है आगे बोलो तो तुम्हारे पास आज का खाने का पैसा हो गया ना हाँ मेरा आज का खाने का रात तक हो गया तो फिर जाओ फिर सो आराम से घर पे पढ़ाई करो या और मांगना है फिर ना और नहीं ना मेरे जाने के बाद ही लोग और मांगेगा ना अभी जाऊंगा छोला भटूरा खाऊंगा ठीक है जाओ आराम से खाना पीना खाओ फिर तो छोला भटूरा बातचीत करने के बाद इन बच्चों के द्वारा बच्चों को लाडली के द्वारा पानी पूरी खिलाया जा रहा है देख रहे हैं सोलेशन तुम लोग नहीं ना पिएगा आपसे मालूम है पिएगा यही है वो शख्स जो अभी एग्जाम देकर के निकला है कैसा गया एग्जाम अच्छा गया भाई एग्जाम क्या चीज का एग्जाम था एग्जाम इससे नहीं चले दूसरे से पूछते हैं सबसे पहले आप बताइए कैसा गया एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम क्या चीज का था एनवायरमेंटल सबसे इंग्लिश का मतलब क्या क्या था मतलब इंग्लिश का था एक लाइन में समझ चलिए ठीक है दूसरे सवाल पूछते हैं एग्जाम कैसा गया भाई टोटली क्या है कौन से हाँ पूरा जैसे तैसे गूगल से छाप क्वेश्चन था एनवायरमेंट पे और इतना ज़्यादा लॉ लिखे उस पर क्या क्या एक्ट के दौरान क्या पेड़ बचाने के लिए क्या क्या एक्ट लगा था लेकिन एक एंड ऑफ द डे ये पता चलता है इतना सारा एक्ट लगा लेकिन पेड़ नहीं बचा है अगर पेड़ बचता तो इतना गर्मी नहीं होता और जब यहाँ से भी निकलते हैं और हमारा ड्राइवर के साथ साथ हेलमेट भी चेंज राइडर के साथ साथ हेलमेट भी चेंज और इस बार हमारे गाड़ी चलाएंगे जबर्दन भाई अगरी चाभी चलिए निकलते हैं सभी लोग आराम आराम से जाएगा कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा और कोई बचा है भाई वो कि कोई और आएगा जल्दी आओ आगे आगे निकले ना आगे इंतजार कर रहे हैं आगे निकलिए ना अब आराम नाम है चलिए अपना लो अभी हम सभी आ गए हैं एक क्या है ये छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे क्या करने आए हैं लोग भूख तो लगा लेकिन करने के लिए क्या आए हैं खाना खाने के लिए खाना खाने के लिए आए हुए हैं आप इससे पहले यहाँ पर आए हुए हैं चलिए सबका फर्स्ट टाइम है चलिए उसको छोड़ करके बाकी हम सभी का भी फर्स्ट टाइम है देखते क्या खाना पीना खाते हैं और बतलाते हैं सुबह से ही भूखे हुए हैं सुबह ही करीब 9 बजे में आ गया था देखिए मेरा तो फिर ठीक है पीछे बैठे हुए थे इन लोगों का कपड़ा देखो पूरा एकदम गर्दा गर्दा हो गया हाथ देखो दिख नहीं रहा है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं होता है कभी कभी हुआ ये कि मैं 9 बजे आ गया था जयवर्धन भाई घर पे और वहाँ पे मैं चाय नाश्ता किया था देखा ही होगा उसके बाद जो है सो हमने कभी कुछ खाना खाया नहीं मतलब भूखे ही हैं तो उसी के लिए हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में अभी फिलहाल
जो कि बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इसका नाम है द बैठक करके, जो है कि दरभंगा में ही पड़ता है, और यहीं पे खाना पीना खाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। अब यदि किसी को गोगो करके लाइटिंग लगा हुआ तो वो भी कर सकता है यहाँ पे। गोगो करके लगा हुआ तो जा सकता है अपना। गाइस वी आर इन दरभंगा, और क्या बोले हम, इतनी गंदगी है, इतना धूल उड़ता है दरभंगा में, बाप रे, रोड अभी बन रहा है ऊपर से, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे धूल उड़ेगा और वहाँ पे मुंह काला होगा जो बाइक चलाएगा, हो या ना हो लेकिन धूल बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं वेयर द हेलमेट और ऑलवेज फेस क्लीन। चलिए थोड़ा सब मकान भी पूछ ले। ये जो है जयवर्धन, कुछ ज्यादा ये इसमें कैमरा में गोरा दिखता है। बोलने देगा भी कि नहीं यार अब सोचो, अरे अब एक चीज सोचो, हम कैसे इतना दिन ब्लॉग बनाए, अब ये ठीक है हम बनाते। देखिए हुआ क्या कि अभी हम लोगों ने चाय पी लिया और जब मेन्यू में देखा तो इसमें देखा कि ज्यादातर नॉन वेज है, ठीक है, और लेकिन मुझे इसमें पनीर का एक वो खाना था, क्या बोलते उसको, और इसको रोस्ट करके बनाया जाता है पनीर टिक्का, हाँ वैसा कुछ था, वो भी है लेकिन यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे मुझे ज़्यादा भी लग रहा है प्राइसिंग, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, मधुनी में ही चलते हैं, उधर ही कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, उधर ही कुछ खाएंगे, ठीक है, जब पूरा दिन सहे ही हैं तो शाम में और थोड़ा देर आउट रुक जाते हैं, शाम में खाना पीना खाया जाएगा। ये आपका 100 रुपये छूट गया था। हाँ अभी पूरा 100 रुपये नहीं, 320 ग्राम है। अच्छा मुझे लगा कि शायद सस्ता में निपट जाएगा, फिर भी निकल रहे हैं। भाई आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। पीयूष पंजाब। मैं सच कहूँ तो ग्रुप में मुझे 3 लोगों का चेहरा बहुत पसंद आया, एक पीयूष का, दूसरा जयवर्धन का, अरे मजाक नहीं, दूसरा जयवर्धन का और तीसरा शिवम भाई का, हालांकि उसका बॉडी पे थोड़ा सा काम करना बाकी है, सब कुछ बढ़िया है। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे उधर। पकड़िए ना इसको। चलिए अब चलते हैं अपने इलाके मधुबनी, यहाँ से बाहर चलते हैं।